रिवील स्टार बाहुबली की फिल्म के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसको टक्कर देती भी कोई फिल्म हिस्ट्री में दोबारा आ सकती है। लेकिन डायरेक्टर एसएस राजामौली ने अपनी नई फिल्म के मोशन पोस्टर से ऐसा बिगुल फूका है जो सभी को हिला कर रख देने वाला साबित हुआ है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं आज रिलीज हुए आरआर के मोशन पोस्टर की, जो पहले ही झलक से दमदार छाप ऑडियंस पर छोड़ कर गया है। फिल्म में क्या होने वाला है और ये कितनी बेहतरीन फिल्म होने वाली है, इसका अंदाजा आप इसके पोस्टर से लगा ही चुके होंगे। आपको बता दें कि आज सुबह से ही जहां एक तरफ सभी कोरोना जैसे डेडली वायरस के चलते अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, वहीं फैंस के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान बिखेरते हुए डायरेक्टर राजा एस मौली ने और अजय देवगन ने इसके पोस्टर को शेयर किया है और साथ ही तीनों आर का मतलब भी समझाया है, जो कि ये है राइज, रिवॉल्ट, रॉर। अब इससे इतना तो तय है कि उदय, विद्रोह और दहाड़ का ये नजारा शानदार होने वाला है। वेल, ये फिल्म आने वाले वक्त में कितना बड़ा धमाका करेगी, इसका अंदाजा हम लगा ही चुके हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा लीड में हैं। साथ ही एक्स्ट्रा मसाला जोड़ने के लिए फिल्म में सिंघम अजय देवगन की भी एंट्री कराई गई है। हालांकि उनकी झलक इस मोशन पोस्टर में देखने को नहीं मिली, लेकिन इतना श्योर है कि जब भी इसका ट्रेलर आएगा तो उसमें इन दोनों सास के साथ सिंघम की दहाड़ भी हमें सुनने को जरूर मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये फिल्म बाहुबली से भी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेगी, क्योंकि फैंस की माने तो वो इस फिल्म को उससे भी बड़ी फिल्म के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ तक कि मोशन पोस्टर की शुरुआत में भी दोनों स्टार्स का इंट्रो सीन भी कुछ हद तक बाहुबली 2 की याद दिलाएगा। साथ ही आरआरआर के बैकग्राउंड में बसता म्यूजिक भी कहीं ना कहीं बाहुबली जैसे दमदार म्यूजिक का एहसास कराता है। फिल्म को लगभग 400 करोड़ के बजट में बनाया गया है। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक आलिया और अजय के साथ ये फिल्म आरआरआर का नाम रखा जाएगा रघुपति राघव राजा राम। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े लेवल पर बनी फिल्म 500 करोड़ का मुनाफा तो कमा कर ही देगी, लेकिन हाँ, बाहुबली की फैन बेस और कमाई का आंकड़ा ये फिल्म तोड़ पाएगी या नहीं, फिलहाल ये देखने वाली बात रहेगी। तब तक आप भी इंतजार कीजिए 2021 का, क्योंकि ये फिल्म 8 जनवरी 2021 को जो रिलीज होगी। तब तक के लिए दीजिएगा अपनी राय इस मोशन पोस्टर के बारे में कि आपको कैसा लगा इसका मोशन पोस्टर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में।